गाइस अभी हम इस पुल पे जा रहे हैं, ओह माय गॉड। और जब हम इस पुल पे चढ़े हैं और ये पुल हिल रहा है, और इस पुल से यहाँ से ये सीन नजर आ रहा है, यहाँ से ये सीन। फेंकू जामी को नीचे, फेंकू। गाइस अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ पर लेटा हूँ। अभी हम आपको दिखाते हैं, हम यहाँ पर, ये पत्थर है इतना बड़ा है जिसपे हम 4-5 बंदे लेट सकते हैं आराम से, और वहां पर हम लेटे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज का व्लॉग हम शुरू करें यहां से। तो गाइस फाइनली आज हम जा रहे हैं अपने मामू के घर, और हमने जाना है डडरवली साइड पे, और वहां पर वो रहते हैं, उन्होंने काफ़ी चीज़ें वगैरह भी रखी हुई हैं। तो अभी हम जाके वहाँ पर देखेंगे, विजिट करेंगे। उनके पास मुर्गियाँ वगैरह ये चीज़ें भी काफ़ी हैं, खरगोश भी हैं। खरगोश के बच्चे लेने हैं मैंने, सीफ कह रहा है खरगोश के बच्चे लेने हैं, लेकिन हमने कोई नहीं लेने, अभी बकवास कर रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं और फिर आपसे वहीं पर जाके मिलते हैं। अभी हमने यहाँ से जाना है रोड पर, वहाँ से गाड़ी पकड़नी है। तो गाइस अभी बारिश का मौसम भी बना हुआ है, बादल जो है बहुत सख्त गरज रहे हैं, और हमने वो सामने रोड तक जाना है, और वहाँ पर जाके हमें गाड़ी मिलेगी और गाड़ी में हम बैठेंगे। तो अभी जो है हम तेज़ तेज़ निकलते हैं क्योंकि बारिश होने लगी है, और बारिश होने से पहले हम निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस अभी मैं जो है बाकी जा रहा हूँ ताकि हम गाड़ी पकड़ सकें, गाड़ी को हम रोकेंगे, अब तक अम्मी वगैरह भी आ जाएंगे और तुसी वगैरह, क्योंकि बारिश होने का टाइम है। बारिश बादलों की आवाज़ तो आपको आ रही होगी, तो हमने जल्दी जल्दी निकलना है। कस्सी के पास मैं पहुंच गया हूं, और मुझे गाड़ी की भी आवाज़ आई है, गाड़ी ने हॉर्न दिया है, तो निकलते हैं अभी तेज़। अभी मैं रोड पे आ गया हूं, और दरिया जो है बहुत तेज़ हुआ है, इससे पता लगता है कि पीछे बारिश तेज़ हो रही है। और अभी हम जा रहे हैं, सामने बस थोड़ा सा ही रह गया, सांस में चढ़ गया क्योंकि मैं काफ़ी तेज़ में आया हूँ। गाइस फाइनली हम यहाँ पर अपने मामू के घर आ गए हैं, वहाँ पर ये मुर्गियाँ घूम रही हैं इतनी प्यारी प्यारी, ये देख सकते हैं सिल्की हैं, देखिए सिल्की हैं ऊपर देख के। अच्छा मामू को देख के आया ना, अभी उधर भी जाएंगे हम जरा अपने दूसरे मामू के घर, वहाँ पर भी आपको जाके हम दिखाएंगे मुर्गियाँ। अभी हम इनके घर जा रहे हैं, फूल भी बड़े प्यारे प्यारे लगे हैं, अभी हम चलते हैं अंदर। ये मुर्गी है और इसके बच्चे साथ घूम रहे हैं। तो हेलो गाइस, अभी हम आए हुए थे मेरे मामू की तरफ, तो मनीका व्लॉग मैं बना रहा हूँ अभी इस टाइम। तो हम मामू कह रहे थे, उन्होंने रखे हुए गाय वगैरह और उनका एक बच्चा भी है, तो वो बच्चा मुझे बहुत क्यूट लगा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो। तो आपको भी दिखाता हूँ बच्चा कहाँ पे है। यह मंदिर आया है, सामने गाय है, और ये इसका प्यारा सा बच्चा है। हेलो जोजो, क्या हाल है? ठीक हो? माशाल्लाह बहुत प्यारा है, दिल तो कह रहा साथ ले जाए इसको पर, लेकिन हम लेके जा नहीं सकते क्योंकि बस नहीं लेके जा सकते, इसलिए क्योंकि इसको रखने के लिए हमारे पास जगह होनी चाहिए लादा, और उसके अलावा हमारे पास एक लेके जाने के लिए भी हमारे पास जगह होनी चाहिए, वो हमारे पास नहीं है, तो इसलिए ये हम नहीं लेके जा सकते, पर लेकिन माशाल्लाह बहुत प्यारा है ये। तो गाइस मैं वो कहना चाहता था, ये है डडर, ये हमारे गांव का इलाका ही है एक। तो यहाँ पे ना 2001 में आया था सैलाब, मतलब कि उसको हमारी जबान में उसे फ्लड कहते हैं, पर उर्दू में उसे सैलाब कहते हैं। जब वो सैलाब पानी आया था ना, तो पानी के साथ ना ये देखें, ये बड़े बड़े पत्थर आए थे सारे, काफ़ी ज़्यादा पत्थर हैं यहाँ पे, और नहीं फिर यहीं पे जब पानी सारा ख़त्म हो गया तो पत्थर यहीं पे रह गए, और इनके ऊपर देखें घास उग गया सारा। 2001 की बात है, ये देख सकते हैं आप। तो गाइस अभी हम अपने दूसरे मामू के घर आए हैं, और यहाँ पर भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मुर्गियाँ भी हैं, और यहाँ पर एक ये बकरी है जिसको आज मैं मिलूंगा, इसका दूध आज मैं निकालूंगा, और इसका बकरोटा की तरह है, इसकी बकरोटी है, मतलब इसका बच्चा है।
ये सील किया हमने। ये भी बड़ी प्यारी प्यारी मुर्गी हैं माशाल्लाह से बहुत। फाइनली अभी हम अपने मामू के घर से आए हैं दरिया की तरफ, तो आपको हम जा के व्यू दिखाते हैं। जरा दरिया जो है बहुत तेज़ यहाँ पर आया हुआ है। मेरी आवाज़ आपको बहुत कम आ रही होगी क्योंकि दरिया जो है आज बहुत तेज़ है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो गाइस यहाँ पर तुसी भी आया हुआ है और जामी भी। हाँ जी जामी भी फुल इंजॉय करता है। अहमद आप कहाँ पर चढ़े हुए हो? पत्थर के ऊपर अहमद चढ़ा हुआ है और पीछे दरिया है बहुत तेज़, तो आप नीचे ही आओ गिरोगे। गाइस अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ पर लेटा हूँ। अभी हम आपको दिखाते हैं, हम यहाँ पर ये पत्थर है इतना बड़ा जिसपे हम 4-5 बंदे लेट सकते हैं आराम से, और वहाँ पर हम लेटे हुए हैं। गाइस ये पत्थर है इस पर अल्लाह लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत आपको नज़र आ रहा होगा। जामी साहब फूल डरे हुए हैं। किधर बैठे हुए हो? पत्थर के बिल्कुल किनारे पे। फेंकू जामी को नीचे फेंकू। तो गाइस अभी हम वहाँ पर थे, वो काफ़ी दूर थे हम, जहाँ पर आपको बड़ा पत्थर नज़र आ रहा है, और अभी जो है हम यहाँ से जा रहे हैं आगे, रास्ते चल रहे हैं और हमने पुल पे जाना है क्योंकि पुल पे जाके भी जो है ना काफ़ी अच्छी पिक्चर्स क्लिक होंगी। तो अभी हम पुल पे जाते हैं। यहाँ से पानी फैला हुआ है इसलिए जो है स्लो लग रहा है, लेकिन आगे जाके पानी जो है थोड़ा एक जगह काफ़ी खुली नहीं है, तंग है, तो इस वजह से पानी बहुत प्रेशर से वहाँ पर जो गिर रहा है। अभी ये जगह गार है, इसके ऊपर से भी तो मैं निकल गया हूँ, लेकिन इसके हम नीचे से गुजर के जाके देखते हैं। हम बड़े आराम से निकल गए यहाँ नीचे से भी, ओए 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 बड़े मज़े से निकल आए हैं। अभी तो हम इसके नीचे से निकले थे, अभी हम इधर खड़े होकर जाते हैं, ज़रा देखते हैं। हम तो इतने पतले हैं कि हम खड़े होकर भी जा सकते हैं, और अभी भी यहाँ पर इतनी स्पेस बाकी है, तो अभी हम चलते आगे। पुल पर जा रहे हैं हम गाइस, अभी हम इस पुल पर जा रहे हैं। ओ माई गॉड, और जब हम इस पुल पर चढ़े हैं और ये पुल हिल रहा है, और इस पुल से यहाँ से ये सीन नज़र आ रहा है, यहाँ से ये सीन। गाइस अभी मैं खाली आया हुआ था इस पुल पे, इधर देखो अहमद, और अभी अहमद भी आ गया है। अब ये पुल हम इसको मिला रहे हैं। इस फाइनली हमने इस पुल पे भी काफ़ी भाग दौड़ कर ली है और तस्वीरें वगैरह भी ले ली हैं, तो अभी हम चल रहे हैं घर की तरफ। ये हम पुल से बाहर आ गए, अब हमने इस पुल पे नहीं आना, मैं इसी मजाक कर रहा हूँ। अभी हम जा रहे हैं ऊपर। अभी हमने तो गाइस अभी हमने काफ़ी घूम फिर लिया है और अभी हम जा रहे हैं घर, और इस रास्ते से तो गाइस अभी जो है ना जामी जो है चल चल के थक गया है, और जामी को जो मामू ने कंधे पे उठा लिया अब। हाँ जामी थक गया जामी कह रहा मैं।